नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लेगा। दोस्तों यदि आप नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि शिक्षा संबंधी सबसे पहले सबसे तेज हम आपको अपडेट उपलब्ध करा सकें। दोस्तों हम बात करेंगे PTET की, और PTET की थर्ड काउंसलिंग जारी होगी या नहीं होगी इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों PTET की ऑफिशियल साइट पर अभी जब सेकंड काउंसलिंग हो रही थी उस समय एक ऊपर लिंक चल रही थी और एक अपडेट आया था, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि सेकंड काउंसलिंग में ही आप कॉलेज भरें, इसके बाद में कोई अन्य काउंसलिंग नहीं होगी, ये अंतिम मौका दिया जाता है। तो दोस्तों इससे तो ये साफ हो गया कि थर्ड काउंसलिंग नहीं आएगी। बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर लिखा हुआ है कि यह अंतिम मौका दिया जाएगा, इसके आगे किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन पिछली बार कई बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी सीटें वैकेंट रही थी, उस बार पिछली बार तो नहीं हुआ था, उससे पिछली बार हुआ था तो थर्ड लिस्ट आई थी। अब की बार बहुत ही कम चांस है क्योंकि बहुत सारी सीटें फुल हो चुकी है, बहुत पूरी सीटें लगभग फुल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में अगर होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं होगी। बाकी आप ऑफिशियल साइट पर देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं पता नहीं अपडेट आ सके, लेकिन किसी भी प्रकार की थर्ड काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी। या आप कन्फर्म कर लो, जिनका नंबर नहीं आया वो इस बार आप बीएड नहीं कर सकते। कई लोगों का नहीं आया, नंबर भी अच्छे थे लेकिन फिर भी नहीं आ पाया, उसका ये कारण था कि उन्होंने फर्स्ट लिस्ट में तो ऑल राजस्थान किया नहीं और वो सीटें भर चुकी थी, अब सेकंड में उन्होंने ऑल राजस्थान किया तो उसका उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, हम तत्परता से आपका जवाब देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।